क्या जनरल वार्ड, क्या आईसीयू और क्या ओपीडी, हर जगह 3 से 4 इंच तक का पानी भरा हुआ है। तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अस्पताल प्रशासन मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए फिश मसाज की व्यवस्था कर रखा है, लेकिन हकीकत इससे इतर है और मरीजों के साथ साथ उनके परिजन, अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अस्पताल कैंपस में पानी भरे होने से परेशान हैं। दरअसल ये तस्वीरें प्रदेश के अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की हैं, जहां बिपरजॉय तूफान के चलते अस्पताल के वार्डो में पानी भर गया है। आलम यह है कि वार्डो में पानी भरे होने पर भी डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। वहीं वार्ड में भरे पानी के बीच मरीज स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। अभी तो आप देख ही रहे हैं, पानी तो है, सफाई चल रही है इसकी। अभी हम लोग काफी हैं, पेशेंट भी आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सफाई जैसे सफाई हो जाएगा तो कहाँ कहाँ पानी भरा लगभग? ओपीडी में तो भरा ही है, बाकी जगह का मुझे आइडिया नहीं है। अभी आई वार्ड को भी ओपन नहीं किया गया है क्योंकि पानी ज़्यादा भरा है वहाँ पर। जी, ये ऑटोमेटिक से नीचे वाला फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर में करीब ओपीडी वगैरह और ये सारे सैंड पानी भरा हुआ है। पूरी ढलान होने का शास्त्री नगर भी पूरा जो एरिया ना इधर सिविल लाइन का और इधर का पूरा एरिया पानी भराया था। और मेडिकल कॉलेज के यहाँ का मतलब 4 या 5 को पानी हमेशा भरता है। इस कारण से क्या ये पानी जो जब तक वहाँ का नहीं बैठेगा तब तक अंदर का नहीं बैठता। ये एक्सरे रूम और मशीन वगैरह भी गिरी हुई है। हाँ नहीं, पानी पानी नीचे नीचे एक्सरे रूम की तरफ से तो अंदर तो निकलवा दिया है, बाकी बार बार रुका है तो पानी चल रहा है। निकालने की कवायद चल रही है? हाँ चल रही है। मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है? मरीजों को हमेशा होती है, मतलब ये थोड़ा लेवल इसका ऊपर हो फर्श का तब जाके पानी के रूप में रुका होता है। इसके अलावा जेएलएन अस्पताल का ओपीडी, अस्थि रोग विभाग, सिटी स्कैन रूम और एक्सरे रूम भी जलमग्न हो गया है। ऐसे में मरीजों को अब अस्पताल प्रशासन आनन फानन में दूसरे वार्डो में शिफ्ट कर रहा है। वहीं डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को मरीजों की देखने में समस्याएं भी आ रही हैं और पानी भरे होने से मरीजों के परिजन भी परेशान हैं। खबरों की माने तो अस्पताल प्रशासन एक दिन पहले ही बिपरजॉय तूफान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, लेकिन जब तूफान की एंट्री हुई तो अस्पताल प्रशासन खुद बीमार नजर आया। जब शहर के अस्पतालों के तूफान के बाद ऐसी स्थिति है तो अंदाजा लगाइए शहरों का हाल क्या होगा, क्योंकि बिपरजॉय तूफान के कारण पिछले 3 दिनों से राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है, जबकि पिछले 24 घंटों से अजमेर में कभी तेज तो कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर जारी है। वहीं चक्रवाती तूफान के कारण प्रदेश के 7 जिलों 12 बूंदी, दौसा, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया।